सात माइनर्स के किडनैपिंग का केस था। प्रणव जो है वो ऑफिशियली अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है। अब वो ना अपने सीनियर्स का काफ़ी चहेता था, तो थोड़े अपने जो फ्रंट सीनियर हैं उनको थोड़ा पटा पुटू के ये केस उसने अपने अंडर में ले लिया। अब विडंबना की जो डेफिनेशन होती है ना, वो प्रणव की जिंदगी थी कि एक तरफ उसके पास दो पुख्ता सबूत थे इस केस के, लेकिन वो उसे यूज़ नहीं कर सकता कि एक तरफ उसे केस सॉल्व करना है, वहीं दूसरी तरफ उसको स्वाति को भी बचाए रखना है। केस को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन आप इस कहानी को आगे बढ़ाएं उससे पहले भाई, अगर आपने इस कहानी का चैप्टर 1 और 2 नहीं सुना है तो पहले प्लीज़ मेरी प्रोफाइल पे जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट उसे सुन लो यार, क्योंकि ये उसके आगे की कहानी है तो समझ नहीं आएगी उसके बिना। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ और आप सुन रहे हैं स्टोरील्स। हमारी इस कहानी का नाम है पेरेंट्स नाइट आउट चैप्टर 3। कंपनी को लीगली सीज किया जाता है। अब जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, सब सीज तो कर दिए जाते हैं, लेकिन प्रणव की जो बातचीत होती है एम्प्लॉयज़ के साथ, उसका कोई खास रिजल्ट निकल के नहीं आता। उसकी इंटरोगेशन में कोई कन्फेशंस नहीं आते, कोई भी कुछ नहीं बताता, बच्चों की किडनैपिंग से रिलेटेड किसी को भी कुछ नहीं पता होता। अब जो कंपनी के सीनियर पोजिशंस में बैठे हैं प्रणव, उनकी भी गर्दन दबोचता है, बट कोई फ़ायदा नहीं होता। किडनैपिंग, वी डोंट नो। अब प्रणव यहाँ पे सिर्फ किडनैपिंग के पीछे नहीं था, वो चाह रहा था कैसे भी करके कुछ, अगर ड्रग से रिलेटेड अगर हल्का सा भी कुछ मिल गया तो केस को पूरी तरह से खोल के रख सकता है, बट कुछ नहीं मिलता। अब इन सारी बातों को होते होते ऑलरेडी 4 दिन हो गए थे और गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर था कि अगर 6ठे दिन भी उनको उस कंपनी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू कोई एविडेंस नहीं मिलता तो जो उन्होंने सील लगवाए थे उन्हें हटाना पड़ता। प्रणव वाज कन्फ्यूज्ड। अगले दिन प्रणव जगगोपाल से मिलता है और वहाँ पर एक लीगल इंटरोगेशन करता है। प्रणव के पास ना एक बहुत भारी सवाल था कि घाटे में चल रही कंपनी के ऊपर वो इतने पैसे क्यों लगाए जा रहा है। अब ये जो क्वेश्चन था ना, ये किसी तरह का रिस्क नहीं था स्वाति के लिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेट हो रही कोई सी भी कंपनी का ये इन्फॉर्मेशन तो मतलब कोई सा भी पुलिस वाला निकालेगा यार, एंड इट वॉज वेरी अबनॉर्मल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। अब वो जाता है और अपने सवाल को पूछता है, लेकिन जगगोपाल आज जिस पोजीशन पे था वो ऐसे ही नहीं पहुंच गया था। उसका भी जवाब आता है, इट्स अ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्रणव जी। अब देखिए, जैसे अभी के ज़माने में किसी को शायद इतनी ज़्यादा बेबी सिटर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमारी जनरेशन बिजी होती जा रही है। इवेंचुअली अ टाइम विल कम जब लोगों को बेबी सिटर्स की ज़रूरत पड़ने लगेगी, एंड बाय दैट टाइम हमारी कंपनी ऑलरेडी एक अपना ग्राउंड बना चुकी होगी। सो इट्स लाइक दैट। आंसर वैलिड था। प्रणव जगगोपाल को और घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाई साहब टस से मस नहीं होते। 2 घंटे की पॉइंटलेस कॉन्वर्जेशन के बाद प्रणव को एक बात क्लिक होती है कि इस कंपनी के ऊपर जो हम ये हंच लेकर चल रहे हैं कि जो 7 बच्चे किडनैप हुए हैं वो इन्हीं के कस्टमर थे, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं कि वो इस कंपनी को प्रेशर में डाल पाए। वापस जाने के बाद वो फाइल्स, नंबर्स, रिकॉर्ड डेटा जो मिले सब चेक करने की कोशिश करता है कि कहीं कुछ तो गलती करी होगी, कोई तो तरीका मिले। रात बीत जाती है। अगले दिन की सुबह प्रणव को हवलदार का फोन आता है। सर, वो यहाँ पर हम लोग जब सुबह सुबह आए तो वो जो कंपनी अपन ने सील करके रखी ना सर, यहाँ पर हमको सर एक चिट्ठी मिली। क्या चिट्ठी मिली? सर, एक छोटा सा नोट टाइप का है और उस पर सर ड्रॉर के बारे में कुछ लिखा हुआ है। ड्रॉर के? अरे वो पूरा एरिया सील्ड है ना, लेकिन तो किसने डाली चिट्ठी? कुछ CCTV कैमरा वगैरह है वहाँ पे, देखा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सर आप जल्दी आ सकते हैं यहाँ पे? प्रणव तुरंत वहाँ पे पहुँचता है। वो जो नोट के बारे में बात हो रही है, प्रणव उसको तुरंत खोलता है तो उस पर एक लाइन लिखी होती है और लाइन कुछ इस तरह से होती है, प्रशस्ति दुबे - फॉल्स बॉटम 7th table drawer 2nd floor। तुरंत के तुरंत वहाँ पे जो 2nd floor का एक ऑफिस कैबिन वाला एरिया होता है उसकी डेस्क को छानने के लिए प्रणव तुरंत कहता है। अब एक तो किस ऑर्डर में 7th desk कुछ समझ में नहीं आता, तो जितने डेस्क हैं सबके ड्रॉर्स को छाना जाता है। अब ये सारे काम वो लोग पहले भी कर चुके थे, कुछ ऐसा नया रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन इतने में वो जो फॉल्स बॉटम वाली बात लिखी होती है, प्रणव उस पे जितने ड्रॉर्स हैं उनको तोड़ने के लिए कहता है कि उनके अगर बेस में कुछ है शायद उसके बॉटम की बात हो रही हो। तो गेट से घुसते ही साथ जो 7th table रखी हुई थी उस टेबल की डेस्क से एक लॉक्ड स्विच्ड ऑफ स्मार्टफोन मिलता है। फोन लॉक्ड था,
लेकिन उसको अनलॉक करना और उसके अंदर से डेटा निकालना प्रणव की इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तुरंत उसे किया गया एंड व्हेन द फोन वाज अनलॉक्ड द नेक्स्ट डे इवनिंग उसके अंदर से कई सारे कॉन्टैक्ट्स मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग कॉन्टैक्ट था एक नाम, याद है उसमें लिखा था प्रशस्ति दुबे इन दैट नोट। वो सात में से एक बच्ची थी जो किडनैप हुई थी। उसके घर में जो उसका रूम था उसमें अलमारी के अंदर के साइड एक बॉक्स रखा हुआ था जिसके अंदर से एक फ़ोन मिला। इस फ़ोन के बारे में खुद उसके पेरेंट्स को नहीं पता था। उस फ़ोन को जब खोला गया और उसके कॉन्वर्जेशंस देखे गए तो उसके अंदर कई सारे हिंटेड कॉन्वर्जेशन मिले टुवर्ड्स द यूज़ ऑफ ड्रग्स और इसी के साथ साथ किडनैप होने वाले दिन कहाँ पर मिलना है ये बात तक थी। अब वो जो फ़ोन उस ड्रॉर के अंदर से मिला था वो किस बेबीसिटर को बिलोंग करता था इस बात को ट्रेस करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगा एंड दे कॉट दैट गर्ल। अगले दो दिनों में हाथ से हाथ लिंक से लिंक मिलने लगे, एक के बाद एक कन्फेशंस आना शुरू हो गए। सबसे पहले बेबीसिटर्स ने कन्फेस किया, उसके बाद कंपनी के कई सीनियर्स ऑफिशियल फंसे और 10 दिनों के बाद फंसा जग्गोपाल। और जैसे ही जग्गोपाल फंसा तुरंत प्रणव के पास ऑफर आना शुरू हो गए कि अगर वो थोड़ी सी अपनी आँखें बंद कर ले तो पैसा प्रमोशन अब जो बिना सबूत वाले टाइम पर नहीं बिका तो सबूत के साथ क्या ही बिकता। अब फाइनली 48 आवर्स के अंदर अंदर जगगोपाल अलॉन्ग विथ 4 ऑफ द सीनियर कंपनी ऑफिशियल्स को तुरंत अरेस्ट किया गया। इसी के साथ में एक खबर आई, पास के एक गांव में एक अबैंडेंड से फार्म हाउस सी जगह पे इन सात किडनैप्ड बच्चों को बेहोश हालत में पाया गया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर जब ढूंढा गया तो मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी मिले। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मिलना इस बात की तरफ सीधा इशारा था कि बच्चों की सिर्फ किडनैपिंग नहीं हुई थी बल्कि ऑर्गन ट्रेडिंग का भी प्लान था। एक माइनर्स की किडनैपिंग वाला केस नारकोटिक्स और ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का जायंट बन चुका था, पूरा शहर हिल गया था। अब जैसे जैसे जग्गोपाल दलदल में धंसता जा रहा था वैसे वैसे प्रणव के पास एडवाइजेस आना शुरू हो गई थी कि भाई वो बड़ा आदमी है, पावरफुल है, करियर ख़राब कर देगा, अब सनकी है, कुछ कर डालेगा। अब इन सारी धमकियों के साथ साथ प्रणव ने नोटिस किया कि अब धीमे धीमे से उसको लोग स्टॉक भी कर रहे थे। अब उसने कुछ जीप्स को नोटिस करना स्टार्ट किया, कुछ कार को। अब प्रॉब्लम ये नहीं थी कि लोग उसे स्टॉक करें, प्रॉब्लम ये थी कि अगर गलती से किसी को पता चल गया कि ये एक्चुअली में इस केस में कैसे इन्वॉल्व हुआ है तो कुछ और लोग भी फंस सकते हैं। इशारा स्वाति की तरफ था, इशारा उस रूममेट की तरफ था, इशारा चेतन की तरफ भी था। कैसे भी करके प्रणव ने 3.5 महीने इस केस को संभाल के रखा और सबकी प्रोटेक्शन का भी ध्यान दिया एंड फाइनली जग्गोपाल का आखिरी डिफेंस टूटा। जब ये बात कंफर्म हो गई कि भाई साहब अंदर जाएंगे तब इनके लॉयर ने प्रणव को एक इन्वेस्टिगेशन क्वेरी से रिगार्डिंग मीटिंग के लिए बुलाया। प्रणव भी जेल पहुंचे, सबसे पहले चेक किया गया कि भैया उसके पास कोई रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट वगैरह तो नहीं है। प्रणव ने कहा देख लो यार क्या ही जाएगा, बैठा बताइए कैसे याद किया आप लोगों ने। प्रणव अगली कोर्ट डेट पे जो गोपाल सर हैं वो उनके 4 ऑफिशियल्स के साथ इस बात के कन्फेशन के लिए रेडी हैं कि उन्होंने मिलकर नारकोटिक्स की चेन चलाई थी। प्रणव को कुछ समझ में नहीं आया, अगर ये लोग ये कर देते हैं तो उसका तो सारा काम ही आसान हो जाएगा, बट ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन बदले में आपने जो ये चाइल्ड किडनैपिंग और ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग वगैरह की बातें करी हैं आप इस केसेस को रीइन्वेस्टिगेट करेंगे। अच्छा और ऐसा क्यों करूँगा मैं, क्योंकि प्रणव मेरे क्लाइंट ने ये सब नहीं किया। अरे सर एविडेंसेस हैं आपके खिलाफ, आपके खुद के बेबीसिटर्स का कन्फेशन है मेरे पास, कन्फेशन ड्रग्स से रिलेटेड है प्रणव, वो किसी ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड किडनैपिंग से रिलेटेड नहीं है। नहीं है क्योंकि एविडेंसेस नहीं है, वो भी निकलवा लेंगे। अरे क्या ज़बरदस्ती निकलवाओगे क्या, गोपाल एकदम से भड़क के बोल गया। सर मैं बात कर रहा हूँ ना, रुक जाइए ना एक मिनट। प्रणव देखो सुनो मेरी बात समझो शांत दिमाग से, अगर हम लोगों को किडनैपिंग या ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह सब करना था तो हम ऐसे बच्चे नहीं चुनते जिनके आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं है। अब अमीर बच्चों के जो ऑर्गन है वो सोने के तो बने नहीं है, तुम खुद सोच के देखो। अरे वो आपने इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो बच्चे आपके लिए एक्सेसिबल थे, आप उनकी बेबी सिटिंग करते थे। अरे प्रणव पोटेंशियल कस्टमर्स थे वो हमारे, अगर हम उन्हें कल को निपटा देते हैं तो क्या फ़ायदा होगा हमको उनसे। और ये बात तुम भी जानते हो कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग के बदले जितने पैसे मिलते उससे 10 गुना ज़्यादा हैं जो ड्रग्स के बदले में मिल सकते थे।
सुनिए गोपाल जी, आप कोई अगली कोर्ट केस में कन्फेशन नहीं दे रहे हैं, आप इस बात की भीख मांग रहे हैं कि मर तो मैं चुका हूं, मेरे ऊपर से थोड़े से चार्जेस कम कर दो और वो मैं होने नहीं दूंगा। प्रणव तो मेरी बात समझ, प्रणव इतने में उठ के चला गया। गोपाल ने इसके ऊपर और भी कई सारी धमकियां दी थी पहले भी और उनसे ऑलरेडी ये नाराज था, लेकिन अब इस मीटिंग के बाद वो पूरी तरह चटक चुका था। लेकिन प्रणव अपनी आदत से मजबूर था, द आदत टू क्वेश्चन एवरीथिंग। अब जब वो घर जा रहा था तो उसने इस बात को जरा ध्यान से सोचा कि लॉयर की बात में एक सेंस तो था कि इट वॉज नॉट अ राइट बिजनेस मूव टू किडनैप पोटेंशियल कस्टमर्स। क्या जगगोपाल का ये आखिरी माइंड गेम एक जीते जिताए केस को हरा देगा? क्या प्रणव पे जितना प्रेशर लगाया जा सकता था वो लगा दिया गया था या अब भी कुछ बाकी था? इन सब के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस कहानी के चैप्टर 4 में, आप सुनने आएंगे।